नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन शनिवार। खबर क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मेधावी बच्चों को डाक विभाग देगा छात्रवृत्ति। आज से शुरू हो रहा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव, देश विदेश में इसके ब्रांडिंग की हो रही है पहल। परीक्षा में चोरी करने वाले छात्रों को बीपीएससी करेगा ब्लैकलिस्टेड। भारतीय रेलवे करवा रहा 11 दिवसीय तीर्थ यात्रा। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार के कई शहरों की स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगी सफाई। फास्ट टैग को लेकर ये नियम जानना है जरूरी। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी में एमटीएस और हवलदार के लिए आवेदन की आज है आखिरी तारीख। एसएससी द्वारा एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज आवेदन की अंतिम तिथि है। ये भर्ती कुल 9,583 पदों पर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। गोदाम निर्माण योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। बिहार में गोदाम निर्माण योजना 2024-25 चलाई जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 100 मीट्रिक टन और 200 मीट्रिक टन कृषि उत्पादन भंडारण सुविधा के लिए गोदाम निर्माण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इस योजना का लाभ आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके आवेदन के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in/kriti/citizenhome पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार के मेधावी बच्चों को डाक विभाग देगा छात्रवृत्ति। बिहार में मेधावी छात्र छात्राओं को डाक विभाग छात्रवृत्ति देगा। ये छात्रवृत्ति दीनदयाल स्पर्श योजना के माध्यम से मेधावी बच्चों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ क्लास 6 से 9 तक के बच्चे उठा सकेंगे। जो छात्र इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें डाक विभाग की तरफ से आयोजित की जाने वाली मेधा परीक्षा को पास करना होगा। परीक्षा में पास करने वाले बच्चों को 1 साल तक हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। ये छात्रवृत्ति बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं। इस छात्रवृत्ति को लेकर डाक विभाग ने बताया है कि मेधा सूची परीक्षा में सभी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, चाहे वो निजी स्कूल से हों या सरकारी स्कूल से। इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। फिर मेधा जाँच के लिए ये परीक्षा 30 सितंबर को ली जाएगी। आज से शुरू हो रहा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव, देश विदेश में इसके ब्रांडिंग की हो रही है पहल। आज मखाना महोत्सव का आयोजन पटना में शुरू होने वाला है। इसे लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बिहार का कोई ना कोई उत्पाद या व्यंजन देश दुनिया की हर थाली में पहुंचे। उनके इस सपने को साकार करने में मिथिला मखाना सबसे बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। मिथिला में मखाना की खेती को बढ़ावा देने और देश विदेश में इसकी ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार कई स्तरों पर निरंतर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय महोत्सव में देश भर से निर्यातकों और ट्रेडर्स को बुलाया गया है। साथ ही आयोजन में कई राज्य के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। परीक्षा में चोरी करने वाले छात्रों को बीपीएससी करेगा ब्लैकलिस्टेड। नकल और कदाचार करने वाले परीक्षार्थियों को लेकर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ऐसे नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, फिर देश में किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए देश के सभी राज्यों के आयोग और प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को बीपीएससी पत्र लिखेगा। साथ ही गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर जुलाई तक करीब 200 अभ्यर्थी बीपीएससी द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में नकल करने के मामले में अरेस्ट किए गए हैं। आयोग ने चोरी करने वाले छात्रों को ब्लैकलिस्टेड करने का फैसला आगामी परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए किया है। अब घर बैठे आधार बनवाने से लेकर इसमें त्रुटि सुधार की मिलेगी सुविधा। अब घर बैठे ही आप अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही हर आयु वर्ग के लोग घर बैठे ही आधार में हुई गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। आधार बनवाने और उसमें त्रुटियों को सुधारने की ये सुविधा आपको डाक विभाग से मिलेगी। इसके लिए आपको महज 50 रुपये देने होंगे। चिन्हित किए गए डाकघरों में ये सुविधा लोगों के लिए शुरू की गई है। घर बैठे ये सुविधा उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष है। बिहार में कुल
535 डाक घरों को चिन्हित किया गया है जो ये सुविधा घर जाकर देंगे। इन डाक घरों को आधार निर्माण और सुधार के लिए मशीन और आईडी भी उपलब्ध करवाए गए। भारतीय रेलवे करवा रहा 11 दिवसीय तीर्थ यात्रा। भारतीय रेलवे की IRCTC ने भारत गौरव नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन से 11 दिवसीय यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन 24 अगस्त को बेतिया से खुलेगी। उसके बाद ये ट्रेन सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए गुजरेगी। इस स्टेशन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी और नासिक जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने के अवसर मिलेंगे। इस ट्रेन में टिकट बुक करवाने के लिए दो श्रेणियां होंगी। इसमें बजट और स्टैंडर्ड शामिल है। बजट श्रेणी में स्लीपर क्लास की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 20,899 रुपए लगेंगे। वहीं स्टैंडर्ड श्रेणी में 3 AC थर्ड AC की यात्रा के लिए 35,795 रुपए प्रति व्यक्ति लगेंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए IRCTC बिस्कुमान टावर या दूरभाष संख्या 8595937731 या 8595937732 पर संपर्क कर सकते हैं। फास्टैग को लेकर ये नियम जानना है जरूरी। टोल टैक्स देने के लिए हमारे देश में फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फास्टैग को लेकर कुछ ऐसे भी नियम है जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है 5 साल पुराने फास्टैग को बदलना, फास्टैग को विंडशील्ड पर लगाना, 3 साल पर इसकी दोबारा KYC करवाना, साथ ही इसे मोबाइल नंबर से लिंक करवाना। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की कोशिश करने पर 1 करोड़ का जुर्माना या 10 साल की हो सकती है जेल। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में बिहार में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। ये परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 17,87,720 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सभी चरणों में करीब 2.5 से 3 लाख बच्चे शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 545 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाया जा सके इसके लिए भी केंद्रीय चयन पर्षद ने बड़ी तैयारी की है। सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया है कि इस परीक्षा में यदि कोई पेपर लीक करवाने की कोशिश करता है या उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ की कोशिश करता है या ऐसे अन्य मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसे नए प्रावधानों के तहत सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे मामले में पकड़े जाने पर 3 साल से 10 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जैसे प्रावधान किए गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अररिया जिले के बारे में। यदि आपको बिहार के अररिया जिले में कभी जाने का मौका मिलता है तो यहाँ कई घूमने के स्थल हैं। यहाँ पर आप रानीगंज वृक्ष वाटिका, काली मंदिर और बायोडायवर्सिटी पार्क कुसियार गांव जा सकते हैं। रानीगंज वृक्ष वाटिका 289 एकड़ में फैले प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित है। यदि आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वहीं बायोडायवर्सिटी पार्क भी शोधार्थियों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। वहीं धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कई लोग काली मंदिर भी घूमने आते हैं। यदि आप अररिया जिले के रहने वाले हैं और हमारे द्वारा बताए गए पर्यटन स्थल के अलावे यहां और भी कई घूमने की जगह है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। व्हाट्सएप पर चुनिंदा लोगों से हाइड करनी है DP तो करेगी काम। अगर आप अपने व्हाट्सएप की DP सभी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपके लिए एक फीचर लेकर आया है। इस फीचर के जरिए आप उन लोगों से अपने प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर दाहिने साइड में दिख रहे 3 डॉट्स को क्लिक करना होगा। यहाँ आपको सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी के ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जिससे भी अपनी DP हाइड करना चाहते हैं आप उन लोगों को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बिहार के कई शहरों की स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगी सफाई। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के शहरों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन पैसों से कई अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे और इससे शहरों की साफ सफाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विजय कुमार झा ने इसकी जानकारी दी है। ये जानकारी उन्होंने कचरा प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दी। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सम्राट चौधरी भी थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को कचरे को आमदनी का साधन बनाना होगा। इसके लिए कूड़े से संपत्ति मिशन पर काम किया जाएगा।
दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे पर सुपर थर्टी के आनंद कुमार ने दी प्रतिक्रिया। सुपर थर्टी के संस्थापक आनंद कुमार ने दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे को लेकर दुख जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना पर बड़े नाम वाले शिक्षकों को आगे बढ़कर बोलना चाहिए क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गलतियाँ की हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें। गलती किसी से भी हो सकती है। आज ककोलत जलप्रपात में सीएम नीतीश पर्यटकीय सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। आज सीएम नीतीश कुमार ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। ये आयोजन आज नवादा के ककोलत जलप्रपात में सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा। पर्यटकीय सुविधाओं के लोकार्पण से लोगों को प्राकृतिक कुंड, कैफेटेरिया, प्रशासनिक भवन, पर्यटन सुविधा, पर्यटक सूचना केंद्र, अमानती घर, पार्किंग, पेयजल, चेंजिंग रूम, शौचालय और प्राथमिक उपचार केंद्र की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि संस्थान को प्रदेश सरकार इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में अब बारिश की स्थिति फिर से सुधरती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज किशनगंज, सुपौल और अररिया में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, बांका, जमुई और भागलपुर में एक या दो स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने की बात की गई है और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। अधिवक्ता ने पटना हाईकोर्ट को पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के निरीक्षण की सौंपी रिपोर्ट। बिहार में वकीलों की टीम ने पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के निर्माण के मामले में साइट पर चल रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण की रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट को सौंप दी है। हालांकि बीते दिन विद्युत विभाग अनुपस्थित था जिससे ये सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस राजमार्ग के निर्माण के संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा विद्युत विभाग के अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अधिवक्ताओं की कमेटी ने रिपोर्ट भी पेश की है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है, जो भी समस्याएं थी उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है। मिल मालिकों द्वारा समय पर चावल आपूर्ति नहीं करने पर विभाग ने बढ़ाई लास्ट डेट। बिहार में मिल मालिकों द्वारा तय सीमा पर चावल की आपूर्ति नहीं किए जाने पर इसकी आखिरी तिथि बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। इस मामले को लेकर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि पैक्स की तरफ से SFC को जो चावल मुहैया करवाना था वो अभी तक नहीं हुआ है। सहकारिता विभाग से पैक्स संचालकों ने डेट बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य था जिसमें से 30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई। सीमांचल में 2000 मक्का किसानों से ठगी का मामला आया सामने। बिहार के सीमांचल में मक्के का अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान अपने मक्के के फसल की उचित कीमत पाने के लिए इसे व्यापारियों के माध्यम से बड़ी मंडी में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान कई बिचौलिए मक्के किसान को ठगने की कोशिश करते हैं। इस मामले में कटिहार में करीब 2000 किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी के मामले को लेकर SP जितेंद्र कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि करीब 2000 किसानों के साथ हुए इस ठगी के उद्भेदन को लेकर पुलिस तत्पर थी। इस मामले में डूमर निवासी प्रीतम ट्रेडर्स के मालिक मुख्य आरोपी गौतम चौधरी और उनके सहयोगी कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके 4,08,94,450 रुपए नकद और विभिन्न बैंकों में रखे 31 लाख रुपए होल्ड करवा दिए गए हैं। अवैध संपत्ति मामले में फंसे IAS संजीव हंस को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बिहार BJP के नव नियुक्त अध्यक्ष और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने संजीव हंस जैसे भ्रष्टाचारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने BJP प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संजीव हंस जैसे लोगों पर कार्रवाई जारी है और ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो सभी फंसेंगे। हमने चूहे दानी तैयार कर लिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि गरीबों का कोई काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा है जिससे विभाग की बदनामी हो रही है। आपको बता दें कि IAS संजीव हंस को लेकर टैक्स चोरी का मामला और अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है जिसके बाद मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान सामने आया है।
तेजस्वी यादव ने बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की कर दी मांग। बिहार में विपक्ष लगातार आरक्षण की नई व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस मामले को लेकर देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बढ़े हुए आरक्षण को बचाने के लिए राजद सड़क पर आंदोलन करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि उन्हें एनडीए सरकार पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए, जिससे कोई भी इसे छेड़खानी ना कर पाए, लेकिन बीजेपी जाति गणना के खिलाफ है, इसलिए रोड़े अटकाए गए हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ टाई। शुक्रवार को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के बीच ये मैच टाई पर छूटा है। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 231 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन भारतीय टीम 47.5 ओवर में 203 रनों पर ही सिमट गई। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला मैच दूसरी बार टाई हुआ है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 14 फरवरी 2012 को ये मुकाबला टाई हुआ था। श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच को टाई करा दिया। अब वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच 4 अगस्त को देखने को मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1886 में हिंदी के विद्वान मैथिली सरन गुप्त का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता देने से इनकार किया था। आज के दिन वर्ष 1933 में भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध एक्ट्रेस शशिकला का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1890 में श्री प्रकाश का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1956 में बलविंदर संधू का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन नहीं बिकवाली। शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन भारी बिकवाली देखने को मिली है। बीएसई पर सेंसेक्स 947 अंकों की गिरावट के साथ 80,919.99 पर बंद हुआ है। वहीं एनएसई पर निफ्टी 1.16% की गिरावट के साथ 24,721.75 पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान टॉप गेनर की लिस्ट में डीवीएस लैब्स, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। वहीं टॉप लूजर की लिस्ट में आयसर मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल रही हैं। रेल मंत्री ने सदन में ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण कवच को लेकर दिए जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण कवच का व्यापक पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि 2016 में कवच को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद से अब तक उसका चरणबद्ध परीक्षण चल रहा था। अब 16 जुलाई 2024 को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है। आगे उन्होंने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना में हो रहे देरी के सवाल पर कहा कि वैश्विक स्तर पर जहां भी बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की गई है, शुरुआत में 20 वर्षों का समय लगा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। काम तेजी से चल रहा है और 320 किलोमीटर में पिलर डालने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही समुद्र में भी सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए को नियम कायदे बनाने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को एक एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नीट परीक्षा में जो लापरवाही इस बार हुई है वो दोहराया ना जा सके। साथ ही शीर्ष अदालत ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया है। कोर्ट ने समिति द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को नीट यूजी में गड़बड़ी समेत अन्य अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विस्तृत फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान,
ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? ऑप्शन ए है जिया राज, ऑप्शन बी है राधा उत्पम, ऑप्शन सी आरती शाह, ऑप्शन डी है मेघना अहलावत। इसका सही उत्तर है जिया राज। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी 80%। इसका सही उत्तर 80%। बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? ऑप्शन ए है 4.25 करोड़, ऑप्शन बी है 2.24 करोड़, ऑप्शन सी है 6.25 करोड़, ऑप्शन डी है 7.25 करोड़। इसका सही उत्तर है 4.25 करोड़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चुन्नू शर्मा, विकास दास, कस्तूरी शर्मा, सुबोध कुमार, संजय कुमार शर्मा, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, एजाज खान, अनिल यादव, रामनवमी मांझी, विनय, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद असगर कमाल, जितेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है मखाना महोत्सव मखाना किसानों के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।